दरअसल पेपर लीक होने के बाद जिन 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई, उन जिलों में 5 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर असर पड़ा है। ये तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन जरा आप भी देखिए कि जब जिम्मेदारों से उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा जाने लगा तो कैसे सुर बदलने लगे। एग्जाम बच्चों का, व्यवस्था हुई फेल। मुस्तैदी के बीच माफिया कर गए खेल। 24 मार्च को जब यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होने जा रही थी, उस वक्त माध्यमिक शिक्षा के बड़े से बड़े अधिकारी बड़े से बड़ा दावा कर रहे थे, व्यवस्था का गुणगान गा रहे थे, मुस्तैदी पर इतरा रहे थे। उंगलियों पर गिन लिया जाए तो कुल मिलाकर 6 दिन भी नहीं बीते, इन दावों की धज्जियां उड़ती नजर आई जब बलिया की गलियों में 500 रुपए में इंटर की अंग्रेजी का पेपर बिकने की खबर आई। जैसे ये खबर राजधानी में नौकरशाहों के कानों तक पहुंची, मानो लखनऊ में अधिकारियों का ओलंपिक शुरू हो गया था। फर्राटा भरते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की गाड़ियां इधर से उधर भाग रही थी और साथ ही बचते नजर आ रहे थे जिम्मेदार। बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो स्पष्ट है। 24 जिलों में पेपर लीक नहीं हुआ है, एक जिले में पेपर लीक करने की आशंका है। उसके आधार पे जैसे बच्चों को एक पवित्र व्यवस्था मिले, वो पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। आराधना शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की ACS और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे आ? लूप होल कोई है नहीं, ये पेपर लीक हुआ, यही तो कुत्सित प्रयास है। किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का, पूरे शासन का, प्रशासन का। मामला सामने आते ही अधिकारी मानो अधिकारी ना रहे हो, दार्शनिक हो गए। यहाँ वहाँ इधर उधर हर तरफ की जानकारी पहली ही फुर्सत में दी जा रही थी। कितने दिन से अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव? मैं 2 साल से। 2 साल से आप हैं, तो सुधार क्यों नहीं आया? सुधार बहुत आया है। सुधार आया? पूरी पुलिस अभिरक्षा में पेपर है, जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैम्पर प्रूफ पेपर है, कोई टैम्पर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। एक के बाद एक सवालों से जब तंग हो गई मैडम, तो गहन चिंतन के नाम पर अपने दफ्तर का दरवाजा ही बंद कर लिया। लेकिन उसी माध्यमिक शिक्षा परिषद के आलिशान दफ्तर के गलियारे में नजर आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय शंकर पांडे। इस पे जिम्मेदार कौन है विनय पांडे? इस पे देखिए, जिम्मेदारी तो फिक्स कर दी गई है और DIS को सबसे पहले, आपने अभी पहले लिया इंटरव्यू, तो शासन ने DIS के ऊपर कार्रवाई कर दिया है। और DIS को क्या किया है? सस्पेंड कर दिया। हाँ, सस्पेंड कर दिया। बच्चों का एग्जाम मानो एग्जाम रहा ही नहीं, कोई इवेंट हो गया, जो उसके खत्म होने से पहले मुस्कुराते चेहरे के साथ सफलता की कहानी सुना रहे थे, वो अब अपनी अपनी जिम्मेदारी और दावेदारी से कदम खींचते नजर आते। अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इस गवर्नमेंट में आप जानते ही हैं किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप विनय पांडे जी कितने दिन से डायरेक्टर हैं? मेरा 4th साल चल रहा है। 4 साल से हैं आप, तो ये भ्रष्टाचार और ये जो दीमक है इस पर अंकुश लगाने के क्या क्या काम किए? हम लोगों ने जहाँ भी कार्रवाई इस तरह की हुई है, हमेशा हर वक्त कार्रवाई किया है। अच्छा। और जब भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी हम लोगों ने तमाम तरह की कार्रवाइयाँ किया, जहाँ पर इस तरह की परीक्षाएं हुई वहाँ DISH को हटाया गया। अच्छा। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहाँ पर पुनर्परीक्षा कराई गई। अच्छा। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सह लेकर के लोगों ने काम किया। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। ये सख्त निर्देश है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ, DIS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं जाए। ये मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इस मामले की एक एक परत उधेड़ कर रख देनी चाहिए, जिससे इस देश के भविष्य की सफलता पर कोई टांका न डाल पाए। वहीं अब तक 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी। ABP गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।